नमस्ते बच्चों, तो आज फिर से हमारा विषय है हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम क्या सीख रहे हैं? स्वर अम सीख रहे हैं। और अम में पिछले वीडियो में अम को बिंदु के ऊपर कैसे लिखा जाता है वो हमने सीख लिया है ना, सीख लिया है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अम से अंगूर, ये है अंगूर का चित्र। तो अभी हम सीखेंगे स्वर अम को बिना बिंदुओं के कैसे लिखना है। तो चलिए पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। स्पीक एंड राइट अम, यानी कि बोलो और लिखो अम। क्या लिखना है हमें? स्वर अम। तो चलिए एक बार फिर से पुनरावर्तन करते हैं कि अम को बिंदुओं के ऊपर कैसे लिखा जाता है। पहले बच्चों, आप सबको भी पता ही है कि अम लिखना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले स्वर अ बनाना है। क्या बनाना है? स्वर अ। ये बन गया हमारा स्वर अ। फिर इसके ऊपर पहली और दूसरी रेखा के बीच में हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बिंदु बना देना है। ये हो गया अम से अंगूर। तो अभी बिना बिंदुओं के अम से अंगूर लिखना सीखेंगे बच्चों। चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक और दो बिंदुएं दिए गए हैं। तो अम से अंगूर लिखने के लिए हम पहले सबसे पहले क्या बनाना है? स्वर अ बना देना है। पहले बिंदु से शुरू करके बनाएंगे स्वर अ। बन गया हमारा स्वर अ। फिर इसके ऊपर यहाँ पर हमने जो आड़ी रेखा की है उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? देखिए पहली और दूसरी रेखा के बीच में हम बना देंगे एक छोटा सा बिंदु। देखिए बच्चों, आपका ये जो बिंदु है वो आड़ी रेखा को छूना नहीं चाहिए, आड़ी रेखा से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अम से अंगूर। अब जब भी आप अम से अंगूर लिखो, हमेशा कैसे लिखोगे? बोलते बोलते ही लिखना है। जैसे कि अम से अंगूर, अम से अंगूठी, अम से अंगूठा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बोलते बोलते ये पूरा पन्ना आपको लिखना है। तो बच्चों, अम को कैसे लिखना है वो हमने सीख लिया। अभी देखिए यहाँ पर अम से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के चित्र दिए गए हैं। तो चलिए पहचानते हैं चित्र को। ये कौन सा चित्र है? ये है अंगूर, अम से अंगूर। ये क्या है? अरे वाह, आपको तो पता है, ये है अम से अंगूठा, हमारा अंगूठा। फिर ये क्या है? अम से अंडा, अंडा यानी कि एग। तो बच्चों आपको पता है और अम से क्या क्या होता है? अम से किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि अनंत, अंकिता, है ना। और आपको पता है बच्चों, अम से होता है अंबर, अंबर यानी कि आकाश, यानी कि स्काई। और आपको पता है बच्चों, अम से मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, आप देखना चाहेंगे। ये देखिए बच्चों, ये है अम्बे माँ। देखिए अम्बे माँ, अम से अम्बे माँ। अभी बच्चों नवरात्रि आ रही है थोड़े दिनों बाद, आपको पता है ना। तो हम नवरात्रि में क्या करते हैं? अम्बे माँ की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो अभी बच्चों हम आगे क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई एंड सर्कल अम, यानी कि पहचानो और अम पर बोला करो। तो इन अक्षरों के समूह में से हमें कौन सा अक्षर पहचानना है? हमें पहचानना है अम। और उसके ऊपर क्या बना देना है? गोला यानी कि सर्कल। इसी प्रकार से आपको इन सभी अक्षरों के समूह में से अम को पहचानते जाना है और उसके ऊपर गोला करते जाना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैच द करेक्ट पिक्चर विथ अम, यानी कि सही चित्र को अम के साथ जोड़िए। तो देखिए आपको यहाँ पर स्वर अम दिया गया है और यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं। तो आपको चित्र को पहचानना है और अगर वो चित्र अम से शुरू होता है तो हमें उसे जोड़ देना है। जैसे कि ये पहला चित्र देखिए, ये क्या है? ये हाथ में अपना अंगूठा दिखा रहा है। देखिए, तो अम से अंगूठा होता है? यस, होता है। तो हम अम को अंगूठा के चित्र से जोड़ देंगे। फिर इसी प्रकार से ये सारे शब्दों को आपको पहचानना है। देखिए जैसे कि ये है टमाटर, तो अम से टमाटर थोड़ी होता है बच्चों। टमाटर शब्द अम से शुरू होता है? नहीं होता है, तो हम इसे नहीं जोड़ेंगे। और अभी इन दोनों चित्रों में से सही चित्र को आपको पहचान कर उसे अम के साथ खुद से जोड़ना है, ठीक है बच्चों।